सफीदों में मंगलवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 69वें जन्मदिवस के उपलक्ष में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता प्रमोद कौशिक सामान्य अस्पताल में पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए और मरीजों का हाल जाना। प्रमोद कौशिक समेत इस जन्मदिवस समारोह में हरीश शर्मा, रामधन भारद्वाज बुढ़ाखेड़ा, राम जुआरी करसिंधु, रणधीर सिंह बिटाणी, विकास मुआना, दीपक फौजी मुआना, अरविंद शर्मा, हरिराम शर्मा, सुनील लाडवाल, शिशुपाल मौजूद रहे। पहले तो आज देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एम्स में जाके सेवा सप्ताह की शुरुआत की और उसी कड़ी में पूरे देश में देश के जननायक और विश्व के महान नेता आदरणीय मोदी जी का जन्मदिवस आज है और एक सेवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है। इसी कड़ी में आज सफीदों के सिविल हॉस्पिटल में अनेकों मरीजों से मिलना हुआ, उनके हालचाल भी जाने और उनको फल वितरित करके जो मोदी जी का एक संदेश है कि अंतिम व्यक्ति तक के व्यक्ति तक पकड़ बना के और उसका हालचाल पूछना, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, जहां कोई समस्या है यहां मैंने स्टाफ से पूछा भी है कि यदि कोई समस्या है या और है वो सारी अभी तक कोई मोटी समस्या किसी ने बताई नहीं। एक समस्या ऐसी पेशेंट है कि जिसके पेरेंट्स नहीं और कोई साथ में नहीं था, तब मैंने स्टाफ को ही कहा है कि जो मेरी मदद चाहिए खानपुर में उन्होंने रेफर करने के लिए कहा है कि जहां भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। अपना नंबर भी यहां देके गया हूं, स्टाफ को बोल के भी गया हूं कि जिस कड़ी में जैसी स्थिति पड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का यही संकल्प है कि हम जरूरतमंद की मदद करके इस भारत को, इस हरियाणा को दोबारा से एक परिवार के रूप में और पूरे विश्व को एक शिक्षा दी कि भारत की संस्कृति जो है और जिस संस्कृति के आधारित भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है वो पूरे विश्व में छाए ताकि भाईचारे का, आपसी प्रेम का, सद्भाव का माहौल कायम हो। इन बातों को लेकर आज ये सेवा सप्ताह के लिए सिविल हॉस्पिटल में कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आऊँ। मैं मोदी जी को क्या संदेश दे सकता हूँ? मोदी जी हमारे एक ब्रांड है और मोदी जी के पद चिन्हों पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आज भारत के अनेकों सेवा भावी कार्य में उतरी हुई और ऐसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनके जिस प्रकार के विचार या भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है जो मैंने सीखा है उसको आगे जीते रहेंगे और मोदी जी के अनुसरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के अनुसरण के हिसाब से हम 2019 में भी इसको स्थापित हरियाणा में करके दिखाएंगे, ये संकल्प। बस आज कोई नहीं, आज केवल सेवा भाव से आए हैं, आज राजनीति उद्देश्य नहीं है, हम केवल सेवा के माध्यम से समाज को जागृत करके समाज को मजबूत करने का संकल्प हमारा है। इसीलिए आज हॉस्पिटल में मोदी जी के जन्मदिन पे आज जनता को बधाई देने और उनका आशीष मोदी जी के लिए देने के लिए आए। अर्थ प्रकाश के लिए सफीदों से अभिषेक दीवान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।